बालेश्वर में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके, रेलवे ने, बालेश्वर के, सोरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम कंप्लीट, रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है, दो लाइन करीब करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर में, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है।